क्या नाम है आपका? मुकेश। क्या करते हैं मुकेश जी? मैं खाना बनाने काम करता हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर आपको लगता है चुनाव होंगे? मुद्दे तो पूरे हो रहे, पब्लिक के कौन सा मुद्दा बाकी रहा? अच्छा। गरीबों को मकान मिल रहा है, कांग्रेस जो रोज 70 साल से देश को डुबा के चली गई थी, वो आज वो मोदी जी आके, एक आदमी पूरा घर तो नहीं चला सकता है, अब देखिए, अब एक आदमी पूरा देश से लड़के, हर पब्लिक, हर कांग्रेस वाले, हर भाजपा पार्टी, जितने समाजवादी पार्टी, पूरे आदमी उसकी पैर खींचने पे लगा हुआ है। एक आदमी पांच साल के बाद और मोदी जी को बैठना चाहिए, देश का उद्धार होएगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। फिलहाल देश की नहीं, मध्य प्रदेश की बात हो रही है। देश में शिवराज सिंह अच्छा काम कर रहा है, वो शिवराज सिंह ही आएगा। तो अगर कांग्रेस भी नहीं आएगा? अच्छा, कमलनाथ भी नहीं आएंगे? कमल आएगा लेकिन कमलनाथ नहीं आएंगे। लेकिन एक सवाल पूछता हूँ, सोचिए अगर कांग्रेस आ जाती है सत्ता? आएगी नहीं ना, हम जैसे लोग खड़े ना, नहीं आएगी कांग्रेस। और आ गई तो? अरे कैसे, हम जिलो जान से जान दे के आदमी को घर से बाहर निकाल के वोट दिलवाएंगे, फूल में कैसे आ जाएगी कांग्रेस? दोबारा 11 बजे का इंतजार नहीं करना, बिजली का हमें 7 बजे बिजली के, रात को बच्चे परेशान हो रहे, पंखा नहीं चल रही, टीवी नहीं चल रही। दिग्विजय सिंह 2-3 दिन हाथ के गड्ढे छोड़ के चला गया था मध्य प्रदेश में, आपको पता नहीं है इस बात को? ये ना, तो फिर कैसे कांग्रेस सजाएगी? आज जितनी पब्लिक खड़ी है, सब जागरूक पब्लिक है। ये अभी तक राजनीति में विरोध होता देखा, वोटिंग होते हुए देखी, लेकिन जज्बाती होते हुए शायद किसी शख्स को पहली बार हम देख रहे हैं।